सर कैसी लगी निकम्मा? जैसा नाम है वैसी पिक्चर है, निकम्मा काम, निकम्मी एक्टिंग। बट अगर आप लोगों ने मिडिल क्लास अभय मूवी देखी है तो प्लीज़ इस मूवी को मत आना देखने। एक्चुअली यार मुझे ऐसा लगा कि मेरे को भी पता था कि यार मिडिल क्लास का रीमेक है, बट मुझे नहीं पता था कि इतना बकवास रीमेक होगा। बट ओवरऑल मूवी को एक बार देख सकते विथ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। बाकी ट्रेलर देखने के बाद तो ऑडियंस को लगा था कि बॉलीवुड फिर से कुछ न्यू यूनिक कंटेंट के साथ अच्छी मूवी लेके आ रहा कॉमेडियन। अच्छा रीमेक कब से यूनिक होने लगे? ऐसा तो हॉलीवुड वाले भी रीमेक करते हैं। वो भी ऐसी फिल्म का रीमेक होने लगा जो साला हर हफ्ते स्टार गोल्ड पे आती है यार। मतलब ठीक है चलो रीमेक कर रहे थे, एटलीस्ट ऐसी मूवी का करते जो किसी ने नहीं देखी थी पहले। अगर कबीर सिंह के पहले लोगों ने अर्जुन रेड्डी देखी होती तो शायद कबीर सिंह को भी लोग उतना प्यार नहीं देते। बट ऐसी मूवी का रीमेक करो जो किसी ने नहीं देखी है। मिडिल क्लास अभय मैंने कम से कम 3 से 4 बार देखी होगी, तो यार मूवी में ना मुझे लगा कुछ नया होगा फिल्म में, कुछ तो अलग होगा फिल्म में, बट कुछ भी अलग नहीं है सिवाय न्यूडिटी के। मतलब फिल्म में हीरो अपने सिक्स पैक एब दिखा रहा है, लड़की अपना यू नो वेरी वेल व्हाट आई मीन। तो और शिल्पा शेट्टी मैम का तो क्या ही कहना, योगा टीचर हैं वो, तो इसमें भी इसी तरह का काम। बट मूवी उतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ फिर भी आप देख सकते हो। मैंने कहा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, फैमिली के साथ मत देखना। अच्छा अभिमन्यु के दो कैरेक्टर बताए गए हैं, एक एक्शन मैन दूसरा निकम्मा, तो आपको दोनों में से ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा? देखिए अभिमन्यु अगर मैं कंपेयर करूँ नानी से तो उसके तो आसपास भी नहीं थे नानी के। नानी इज़ अ लीजेंड एक्टर। बट अगर बात करूँ सिर्फ क्या अभिमन्यु की, तो अभिमन्यु ने अपने हिसाब से रिफर्स्ट मूवी है ना उनकी है। तो उन्होंने अच्छा ही काम किया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्हें एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती और अच्छा सब कुछ कंटेंट वगैरह मिल जाता तो शायद ये उनके करियर की ब्लॉकबस्टर मूवी होती, पहली मूवी ब्लॉकबस्टर होती। बट चूंकि रीमेक बना तो कहीं ना कहीं उनकी एक्टिंग जो है वो थोड़ी सी दबी सी रह गई। बट ओवरऑल उन्होंने काम अच्छा किया और हीरोइन का भी काम अच्छा था। बट कहीं ना कहीं जब आपके माइंड में ये चीज़ सेट होती है कि यार मैं किसी का रीमेक देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशंस वैसी नहीं रहती है। बट अगर बात करूँ, आपने अभी भी बोल रहा हूँ, अगर मिडिल क्लास अभय मूवी नहीं देखी है तो इस मूवी को देखो, आपको बहुत मज़ा आएगा। भाई की एक बात है, अभी तक ऑडियंस को यही नहीं पता है कि ये मूवी किसी चीज़ की रीमेक है, तो मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा इस फिल्म के जो एक्शन सीन्स थे वो कैसे लगे? अच्छे थे। मतलब यार फिल्म में ना, मतलब जैसा चलो ठीक है अपन मिडिल क्लास अभय की बात छोड़ देते हैं, अभी जो अपन देख के उसकी बात करते हैं। फिल्म में जो एक्शन है ना उसको कॉमेडी के साथ लिया गया, और एक्शन देखने का मज़ा तभी आता है जब बीच बीच में कॉमेडी होती है। लाइक हम लोग इस तरह का एक्शन गोलमाल में देख चुके हैं, इसके अलावा हम लोग भागम भाग मूवी में इस तरह का एक्शन देख चुके हैं, तो मज़ा आता है इस तरह का एक्शन देखने में। और मूवी में भी वही एक्शन देखने को मिलता है। बट कहीं ना कहीं जो था विलन को थोड़ा सा और एग्रेसिव दिखाना था, जैसा कि चलो ठीक है इसी मूवी की बात करते हैं। मतलब विलन इतना, हाँ विलन को थोड़ा सा और एग्रेसिव दिखा सकते थे। बट हाँ ये कहूँ कि फिल्म में कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, पंचेस बहुत अच्छे हैं, कॉमेडी भी अच्छी है। मतलब एक जो उस फिल्म में दिखाया ना कि भाभी और देवर वाली कॉमेडी दिखाई है, मतलब हमारे यहाँ भाभी और देवर मतलब वही उल्लू के जो चैनल्स होते हैं उसी पर ही देखा जाता है, वाओ भाभी वाओ देवर। इस तरह की मूवी नहीं है, एक जो सीरियस होता है वो अपने काम को लेकर, अपनी भाभी को लेकर, एक जो डेडिकेशन दिखाया है उसमें अपनी, वो भाभी को भाभी माँ कहता है, तो ये चीज़ें फिल्म में देखने में बहुत अच्छी लगती है। अच्छा इस फिल्म में कहना कॉमेडी पंचेस एंड जो इस फिल्म में कहना उनका जो एक्शन वीएफएक्स जो बताया गया बैकग्राउंड म्यूजिक सबको लेकर के क्या कहना चाहिए? देखिए ओवरऑल मैं इन सारी चीज़ों को अगर मिला दूं तो मैं इसको 10 में से 7 स्टार दूंगा। क्योंकि अगर बात करूं बॉलीवुड के लिहाज से तो उन्होंने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया, सब कुछ बढ़िया किया। मतलब एक्शन भी डिसेंट दिखाया, कॉमेडी भी बढ़िया दिखाई, कहीं कोई ऐसी वल्गरिटी नहीं दिखाई है। इसके अलावा जो अभिमन्यु की जो कॉलेज लाइफ दिखाई वो भी बहुत अच्छी दिखाई है। उन्हें थोड़ा सा शाय दिखाया फिल्म में, बट अच्छे लग रहे हैं वो। मतलब वो सिक्स पैक एप्स के साथ मतलब पूरे, मतलब यूँ कहूँ पूरे हावी दिख रहे हैं वो पूरी फिल्म में ऐसा। अच्छा इस फिल्म में के अंदर शिल्पा शेट्टी जी का काम क्या था? अच्छा है उनका काम भी, मतलब एक यूँ कहूँ कि काफ़ी स्ट्रिक्ट दिखाया उन्हें फर्स्ट हाफ में। बट यूँ कहूँ कि जैसा होता है ना हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारी केयर करते हैं बट स्ट्रिक्ट भी होते हैं, इस तरह का रोल फिल्म में उनका है। बट बहुत अच्छा रोल है उनका। इस फिल्म को फैमिली ऑडियंस देख सकती है? हाँ फैमिली ऑडियंस देख सकती है। वल्गर सीन्स? वल्गर सीन्स मतलब कपड़ों को लेकर किसी के बात नहीं करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा और फिल्म को डिसेंट बना सकते थे। फिल्म कहीं ना कहीं कुछ एक चीज़ों की वजह से थोड़ी सी मतलब ऐसा लगता है कि यार फैमिली के साथ नहीं देख सकते। बट कपल्स के लिए मूवी बहुत अच्छी साबित होने वाली है, क्योंकि जो उन दोनों की बॉन्डिंग दिखाई बहुत अच्छी दिखाई है। बात करूँ फैमिली की तो फैमिली ऑडियंस को भी फिल्म अच्छी लगेगी, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जाती है फैमिली को अपनी तरफ लाने में फिल्म। अच्छा मतलब कुल मिलाकर के आप इस फिल्म को कितने स्टार देंगे? फिल्म को मैं ओवरऑल मैंने कहा 10 में से 6 या 7, क्योंकि फिल्म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी मेरी। बट हाँ मुझे ये लगा था कि रीमेक अगर बनता भी है कुछ, अगर चेंजेस कर भी देते तो अच्छी तरह से करेंगे। बट अभिमन्यु ने भी अपना काम अच्छा किया, हीरोइन का काम भी अच्छा है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, शिल्पा शेट्टी मैम का काम भी अच्छा है। इसके अलावा जो साइड कैरेक्टर्स है लाइक जो शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड दिखाए हैं, जो फिल्म में विलन दिखाया, इनका काम और अच्छा हो सकता था।
क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप रीमेक बनाते हो तो कंपैरिजन तो होता ही है। अगर किसी ने कोई ओरिजिनल मूवी बना के 100% दिया तो आपको रीमेक में 200% देना होता है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम नज़र आती है फिल्म इस फिल्म में। आपको डायरेक्शन कहीं पे वीक लगी? कहीं कहीं ऐसा लगा कि नहीं यार, मतलब थोड़ा सा और अच्छा काम कर सकते थे। शायद 6 या 7 स्टार इसीलिए दे रहा हूँ कि वो जो 4 स्टार और कम दिए ना मैंने, उसकी कहीं ना कहीं कमी खलती है कि फिल्म को थोड़ा सा और बेहतर बना सकते थे। रीमेक होने के बावजूद भी फिल्म को अगर थोड़ा और बेहतर बनाते तो फिल्म देखने में मज़ा आता। तो ऑडियंस को आप ये फिल्म में रिकमेंड करेंगे? ऑडियंस को तो नहीं, अगर मेरा वीडियो इस फिल्म की कोई कास्ट या फिर डायरेक्टर वगैरह देखते तो उनसे यही कहूँगा कि रीमेक अगर बना भी रहे हो तो ऐसी फिल्म का बनाओ जो लोगों ने नहीं देखी है। ऑडियंस से यही कहूँगा, यदि आपने मिडिल क्लास अबे मूवी नहीं देखी है तो आपकी ज़िंदगी पे थू है और अगर मूवी देखी है तो ऑब्वियसली आप ये मूवी नहीं आओगे देखने, और अगर नहीं देखी है तो आप इस मूवी का आओ देखना, आपको सब कुछ बढ़िया लगेगा और सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। ओके थैंक यू। सर कैसी लगी मूवी? बहुत बढ़िया लगी सर। मूवी का ना एक्शन कैसा लगा? बहुत बेहतरीन से लगा है एक्शन। अच्छा, फिल्म में ना आपको कॉमेडी? बहुत अच्छी लगी कॉमेडी भी। अभिमन्यु का एक्शन एंड एक्टिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी सर, 6 पैक वगैरह बहुत अच्छे लगे उनके। अच्छा, और उनके कॉमेडी सीन्स और जो लव सीन्स थे वो? लव सीन्स बहुत बेहतरीन लगे हैं। क्या बात है। अच्छा, आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? नो सर नहीं है। बनाना चाहोगे इसको देखने? नो सर नहीं बनाना चाहेंगे, पर मन में आता है पर बनाने का पर सोचते हैं। अच्छा, इसलिए आप ये मूवी देखने आए थे? यस सर, इसलिए तो देखने आए थे अकेले वो भी। अच्छा, निकम्मा मूवी है तो ऑडियंस का कहना है कि निकम्मे लोग देखने आएंगे इस फिल्म में तो? यस सर सही बोला, निकम्मे लोग ही आते हैं ये मूवी को देखने। आप भी निकम्मे हो गया? यस सर, निकम्मे से कम में लग रहे क्या? अच्छा, अरे आप ये मुझको ये बताइए, फिल्म का जो डायरेक्शन था, कहीं पर आपको बोर तो नहीं लगता है? नहीं सर, बहुत अच्छा लगा, सॉन्ग वगैरह भी बहुत अच्छे लगे निकम्मा मूवी के। अच्छा। लव स्टोरी वगैरह, एक्शन वगैरह बहुत अच्छे लगे। तो फिल्म का फर्स्ट हाफ ज़्यादा अच्छा था कि सेकंड हाफ ज़्यादा अच्छा था? फर्स्ट हाफ भी अच्छा लगा। बाकी मज़ा कब आता, फर्स्ट हाफ में आता कि सेकंड हाफ में? सेकंड हाफ पे थोड़ा मज़ा आता है। अच्छा, एक्शन सेकंड हाफ में स्टार्ट होता है क्या? हाँ। अच्छा, इस फिल्म में जो लीड एक्टरेस है अभिमन्यु और शिल्पा शेट्टी मैम, उन दोनों का काम कैसा लगा, बाउंडिंग कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, शिल्पा शेट्टी मैम का भी रोल और अभिमन्यु सर का भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इस फिल्म में जो सॉन्ग्स आते हैं तो आपको कहीं से ऐसा लगा कि मतलब सॉन्ग्स कहीं से भी स्टार्ट हो रहे हैं या फिर कुछ भी खिचड़ी पक रही है? नो सर, अच्छा लगा सॉन्ग भी। अच्छा। कहीं से खिचड़ी नहीं पक रही है। तो आप ऑडियंस को ये फिल्म देखने के लिए रिकमेंड करेंगे? यस सर, जरूर देखिए, निकम्मा लोग तो और ही जरूर देखिए। बिल्कुल। आप इस फिल्म को 10 out of कितने स्टार देंगे? 10 out of 8 दे देंगे। थोड़ी मतलब थोड़ी बहुत गड़बड़ी है मूवी में, मतलब जो डायरेक्टर देखे थोड़ा बहुत सुधारे। बाकी कुल मिलाकर के अच्छी मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। अच्छा। निकम्मे लोग तो जरूर देखना चाहिए इन लोगों को तो। चलो देंगे। थोड़ी मतलब थोड़ी बहुत गड़बड़ी है मूवी में, मतलब जो डायरेक्टर देखे थोड़ा बहुत सुधारे। बाकी कुल मिलाकर के अच्छी मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। निकम्मे लोग तो।